अबॉर्शन के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, उसके बाद क्या केयर की ज़रूरत है? ये सवाल मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ही था, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एक अबॉर्शन अगर आपका हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, अगर अबॉर्शन हो गया है, यानी कि एक प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई है, मिसकैरेज हो गया है, चाहे वो अबॉर्शन खुद से हुआ हो या आपने करवाया हो, दोनों ही कंडीशंस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। सबसे पहला आता है रेस्ट, कितने रेस्ट की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपका अबॉर्शन अपने आप से हुआ है तो डेफिनेटली ब्लीडिंग वगैरह भी ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली ही पेशेंट्स रेस्ट ले लेते हैं, पर अगर आप जब सर्जिकल प्रोसेस से कराते हैं तो पेशेंट्स को बहुत बार ऐसा होता है कि 2-4 घंटे बाद ही उनको काफ़ी नॉर्मल लगने लग जाता है और वो अपने एक्टिविटी पे रिवर्ट बैक कर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 24 घंटे का मिनिमम रेस्ट रिक्वायर्ड रहता है, 24 घंटे आपको मिनिमम रेस्ट करना ही करना है। आने वाले 7 दिनों तक भी अपना जो एक्सर्शन का लेवल है वह थोड़ा लाइट की साइड रखिए, यानी कि आप हल्का फुल्का काम कर सकते हैं लेकिन एक्सर्शन अवॉइड कीजिए कमिंग 1 हफ्ते के लिए, आने वाले 7 दिनों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको फिजिकल रिलेशनशिप 2 हफ्तों के लिए अवॉइड करने हैं। बहुत बार ब्लीडिंग के लिए पेशेंट्स टैम्पून्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको आने वाले 2 हफ्तों तक यूज़ नहीं करने हैं। वेजाइना के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट 2 हफ्ते के लिए नहीं करनी है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो आपको 2 हफ्ते तक टैम्पून्स भी नहीं यूज़ करने हैं और फिज़िकल रिलेशनशिप भी, संबंध भी 2 हफ्ते तक नहीं बनाने हैं। बहुत बार पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा। तो एक बार अबॉर्शन होने के बाद जो आने वाला अगला पीरियड होता है वो इरेगुलर हो सकता है, वो 1 महीने की जगह 1.5-2 महीने पे आए, ऐसा हो सकता है, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। खाने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, जब भी मिसकैरेज होता है तो डेफिनेटली ब्लीडिंग तो होती ही है। ब्लीडिंग होने के कारण आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है, खून की कमी आ सकती है शरीर में। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि खाने में हरी सब्जियों का इंटेक अधिक हो। पालक, मेथी, अनार, बीट, सेब, ये चीज़ें आप ज़्यादा लें। हरी सब्जियां और फ्रूट्स दोनों ही अधिक मात्रा में लें। लिक्विड्स का इंटेक अच्छी मात्रा में लें, जिसमें कि पानी है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, जूस है, सूप है, छाछ है। इन चीज़ों को लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल मेंटेन रहेगा, आप डिहाइड्रेशन के स्टेटस में नहीं जाएंगे। तो खाने में आपको हरी सब्जियां और फल ज़्यादा लेना है और लिक्विड्स का इंटेक अधिक साइड में रखना है। बहुत बार खून का ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस अधिक हो जाता है और हीमोग्लोबिन काफ़ी नीचे चला जाता है। ऐसी कंडीशंस में हमें कभी कभी आयरन की टैबलेट्स भी देनी पड़ती हैं। वह डिपेंड करता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, उसी आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपको आयरन टैबलेट्स देने की ज़रूरत है अथवा नहीं। अगर कभी भी किसी का अबॉर्शन होता है तो उसके लिए उसका ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोई भी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो कि इंडिया के अंदर 93% पॉपुलेशन का होता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जैसे कि ओ नेगेटिव है, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, किसी भी प्रकार का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके पार्टनर या हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो आपको एक एंटी डी इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत रहती है अबॉर्शन के बाद में, ताकि आपके शरीर के अंदर उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज़ ना बने, जिससे कि आने वाली फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। यह बात स्पेसिफिकली उन्हीं महिलाओं पे लागू होती है जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो अबॉर्शन के बाद आपको एनटीडी इंजेक्शन ज़रूर से लग जाए, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अबॉर्शन जब भी होता है तो डेफिनेटली 1-2 महीना तो सब लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर पेशेंट्स का काफ़ी ये होता है कि अब मैडम नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम कब प्लान करें। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी की जो प्लानिंग की बात है उसके लिए आप लोग 3 महीने इंतज़ार कीजिए। 3 महीने का ये जो समय है, यानी अबॉर्शन हुआ उससे आगे जो 3 महीने बीच में हम 3 महीने का समय देने का काम करते हैं, उस समय को आपकी बॉडी को हील होने के लिए टाइम दीजिए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन वगैरह पहले वाले लेवल पे आ जाए, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर कर जाए। और ये जो 3 महीने का समय है, इसमें आप अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड, विटामिन B12,
विटामिन डी, ऐसी डाइट लें जिनमें फोलिक एसिड, B12, विटामिन डी ये सब प्रचुर मात्रा में हो, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में हो। इनके स्पेसिफिकली कैप्सूल्स भी आते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं जिनमें कि फोलिक एसिड, B12, विटामिन डी ये चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनको लेने का फ़ायदा ये होता है कि आने वाली जो अगली प्रेगनेंसी होती है उसमें जो मिसकैरेज होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। तो ये जो 3 महीने का समय है इसको अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए प्रॉपर समय दें। इस टाइम पे वॉक वगैरह करें तो वह अच्छा रहेगा, उससे आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स होंगे वो रेगुलर होंगे और फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने की जो संभावना है वह कम की साइड में हो जाएगी। बहुत बार पेशेंट्स का ये भी जानना होता है, कई बार पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि मैडम अबॉर्शन क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया कि भाई अबॉर्शन हो गया है, क्यों ये अबॉर्शन हुआ। तो देखिए अबॉर्शन होने में 70% जो कारण होता है वो यूजुअली जेनेटिकल कॉजेज़ होते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत फास्ट स्पीड पर सेल डिविजन हो रहा होता है, तो उसमें ज़रा सा भी एरर आता है तो एक वो मेजर कंजेनाइटल एनोमली की तरह होता है और नेचर की एक टेंडेंसी होती है कि वो ऐसी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर देती है। तो 70-80% संभावना वो जेनेटिकल कॉजेज़ की होती है, 15-20% संभावना ये होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई हो, और कम कॉमन कॉजेज़ के अंदर कभी थायराइड का कारण हो गया, कभी बहुत हाई फीवर हो गया या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इन कारणों से भी अबॉर्शंस हो जाते हैं। कभी कभी यूट्रस की शेप में कोई एनोमली हो गई है, परंतु इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका एक बार अबॉर्शन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी में भी यही चीज़ होने वाली है। सिर्फ 20% केसेस में ही ऐसा होता है कि पहली बार अगर मिसकैरेज हो तो दूसरी बार भी मिसकैरेज होगा। 80% महिलाओं के अंदर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, बच्चा सही से हो जाता है। तो यानी कि 5 महिलाओं का अगर अबॉर्शन होता है तो 4 महिलाओं में अगली बार अबॉर्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपका एक बार अबॉर्शन हुआ है तो अगली बार भी अबॉर्शन होगा, ये टेंशन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। 3 महीने का कम से कम समय लीजिए जिस टाइम पर आपकी बॉडी अच्छे से हील हो सके। अबॉर्शन के बाद में बहुत बार महिलाएं बहुत टेंशन में आ जाती हैं, वो खुद को भी दोष देने लग जाती हैं और अपने घर वालों को भी। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने खाने में ये ध्यान नहीं रखा इसके कारण अबॉर्शन हो गया, या मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, या मैंने ट्रेवल कर लिया इस कारण अबॉर्शन हो गया है। परंतु ना ही ट्रेवल करने से, ना कुछ खा पी लेने से या बहुत स्ट्रेस लेने से, इन कारणों से यूजुअली अबॉर्शन नहीं होता। अबॉर्शन होने का जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो कॉमन कारण है वो जेनेटिकल कॉजेज़ होते हैं या हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें ना तो आपका ना ही किसी और का बहुत स्पेसिफिक कोई रोल रहता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रहें। अगर आपकी किसी प्रकार की हॉबी है तो अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि जितना कम आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हार्मोन्स अच्छी शेप में नहीं रहते हैं, जिससे कि आगे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है या फिर मिसकैरेज होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो अपने थॉट प्रोसेस को एक हैप्पी थॉट प्रोसेस रखिए, वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि डीएनसी के बाद कई बार पेशेंट्स मुझसे कुछ क्वेरीज पूछते हैं, मैडम ऐसा हो गया है तो क्या इसमें दिक्कत है या नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको अपने डॉक्टर को वापस दिखाने जाना चाहिए। उन चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। देखिए जब भी मिसकैरेज होता है, एक बार मिसकैरेज पूरा हो गया है, अगर स्पॉन्टेनियस से अपने आप से हुआ और पूरा हो गया है, या फिर अगर सर्जिकल है, आपने डीएनसी वगैरह कराई है और हो गई है, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, एक बार पूरा प्रोसेस होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली माइल्ड ही होती है। तो अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पूरा मिसकैरेज हो गया उसके बाद हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि नीचे से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, काफ़ी ख़राब स्मेल आ रही है, परसिस्टेंटली आ रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। अगर आपको लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन परसिस्ट कर रहा है, देखिए हल्का फुल्का पेन हो सकता है, यूट्राइन क्रैम्स आ सकते हैं जिससे दर्द हो हल्का फुल्का, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर सिग्निफिकेंटली पेन हो रहा है और वो पेन बना हुआ है लगातार, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो अगर आपको अबॉर्शन के बाद इनमें से किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को डेफिनेटली वापस से दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।